वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समरी ऑफ 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे लास्ट पार्ट में हम मेन पॉइंट तो ही बात कर रहे थे, ठीक है ना, या फिर सबसे पहले हम कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लास्ट पार्ट में सीखे थे कुछ कंसेप्ट, ठीक है ना। और उसके बाद जब कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम मेन पॉइंट तो ही बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ मेन पॉइंट रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो अब जैसे बात कर लेते, अब लास्ट पार्ट में बात कर रहे थे हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किस तरीके से, जैसे एक पॉइंट पी लेके चले थे इस तरीके से, जिसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है किसी पॉइंट का, ठीक है ना, ये सारी चीजें सीख चुके थे। इन x1 y1 z1 का क्या मतलब है, अपनी अपनी एक्सिस पर डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। दो पॉइंटों बीच में डिस्टेंस निकलता है ये पता होना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट ये ले लिया x2 y2 z2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूले की बात करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे पी से क्यों इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जैसे दो पॉइंट है पी से क्यू, कहां पर होंगे पी से क्यू, दो पॉइंट कहां पर होंगे, अब ये मेन बात है, ठीक है ना। पॉइंट एग्जिस्ट कहां करेगा, ये सारी चीजें, जैसे लास्ट पार्ट में पैटर्न की बात हुई थी, तो पॉइंट एग्जिस्ट करता लाइन पर, कह सकते हो किसी लाइन पर एग्जिस्ट करता, बिल्कुल सही है। पॉइंट को कह सकते हो प्लेन पर एग्जिस्ट करता, ये भी सही है, ठीक है ना, किसी प्लेन पर। पॉइंट को कह सकते हो किसी स्पेस में है, मतलब जैसे एक लाइन है ये पॉइंट यहां पर, बिल्कुल सही है, लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये लाइन प्लेन पर है, देख लो। प्लेन का मतलब टू डायमेंशनल, जैसे शीट ऑफ पेपर, सही है, सही है ना। तो मतलब प्लेन पर भी यही पॉइंट स्पेस, ये अब जो लाइन है प्लेन पर है, प्लेन कहां पर होगा, प्लेन होगा स्पेस के अंदर, जैसे ये मतलब शीट ऑफ पेपर, एग्जाम्पल के लिए इसको इस तरीके समझ लो, थोड़ी ऊपर, तो स्पेस का काम हो जाएगा, सही है ना। जैसे बात करी थी कि मतलब प्लेन से प्लेन, इनफाइनाइट प्लेनों को ऐड करके एक स्पेस बनता है, सही है, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से कह दो, प्लेन के ऊपर प्लेन रखे हुए तो भी बात सही है डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब पॉइंट एग्जिस्ट कहां पर करेगा, स्पेस में, फिर स्पेस टाइम इस तरीके से, फिर ग्रेविटी इस तरीके से, ये पैटर्न चलता रहेगा, हमें पढ़ना है सिर्फ यहां तक, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब होता कोई एक सिंगल पॉइंट क्या उसी पर एग्जिस्ट करेगा, ये चीज है गलत, सही है ना, थोड़ा सोचना। सिंगल पॉइंट या फिर कह दो एक सिंगल लाइन क्या उसी लाइन पर एग्जिस्ट करेगी, कोई एक ही लाइन है, मतलब उसकी एक स्पेसिफिक इक्वेशन है, एग्जाम्पल के लिए ये इक्वेशन मान लो, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह सकते हो कि लाइन उसी पर थोड़ी ना एग्जिस्ट करे, कोई दूसरी उसके ऊपर हो सकती है, मतलब ये पॉइंट इससे थोड़ी ऊपर एक पॉइंट हो सकता है, सही है, लेकिन पॉइंट एक ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो अब जैसे यहां पर दो पॉइंट लेके चल रही है, ठीक है ना, यहां पर ये कोई मतलब ये सिर्फ इस हमें शो करने के लिए पी और क्यू पॉइंट, हमें नहीं पता कि इस तरीके पॉइंट हमें, ठीक है ना, कि मतलब सेम लाइन ले ली इस तरीके से, कोई मतलब नहीं, कोई भी दो पॉइंट स्पेस में कहीं पर भी मान लो लाइन पर कह सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से भी इन बातों को डिफाइन कर सकते हो। तो दो पॉइंटों बीच में बस हमें मतलब है पी क्यू, इस डिस्टेंस का पी से क्यू, या फिर कह दो क्यू से पी, तो भी बात सही है, डिस्टेंस तो बराबर रहेगा ना, या फिर इसी चीज को वेक्टर की टर्म में कह सकते हो, तो भी बात सही है, इसको क्यू पी वेक्टर के डिफाइन में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो इस चीज को। पी क्यू वेक्टर को किस तरीके से बताया था याद रखने के लिए, कि पी क्यू वेक्टर को कोई भी मतलब कोई भी वेक्टर लिखा हो ना, उसको इस तरीके से पढ़ो कि दो पॉइंटों से मिलकर बना, क्यों, अब ये चीजें फिर बाद में कुछ मेन पॉइंट आएंगे उसके बाद में डिस्कस करते हैं इस चीज को, ठीक है ना, ताकि, या फिर यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर लो, ठीक है ना। इन सभी को इस तरीके से लिख सकते हो, और इसका मतलब होता है स्क्वेयर रूट के अंदर क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले अपनी एक्स एक्सिस पर डिफरेंस, एक्स एक्सिस पर डिफरेंस इस तरीके से का होल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस का साइन। अब जैसे हम क्यू में से पी को माइनस कर देना, x2 माइनस x1, तो फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, फिर जेड एक्सिस पर डिफरेंस कर दो और होल स्क्वायर कर दो इस तरीके से, सही है। इसके बाद ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एक लेंथ होती है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव रहेगी उसका रिजल्ट, सही बात है इस चीज का, मतलब कभी डिस्टेंस या फिर कभी लेंथ मान लो नेगेटिव रिजल्ट आ जाए कहीं पर, तो अपने आप माइनस साइन हट जाएगा, हमें पता होना चाहिए कि लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में एक खास बात है, यहां पर थोड़ा रीअरेंजमेंट कर सकते हो,
सिर्फ इसी फॉर्मूले में ये बात काम की, ठीक है ना। इस चीज का मतलब अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस उसका कर दो होल स्क्वायर, यहां पर बाई चांस वाई वन माइनस वाई टू कर दो का होल स्क्वायर तो भी बात सही है, यहां पर ये कर दो तो भी सही है, और यहां पर एक्स टू माइनस एक्स वन करो तो भी सही। लेकिन इस चीज का मतलब पता होना चाहिए कि जैसे पी क्यू वैक्टर है, पी क्यू वैक्टर का होता मतलब होता है पहले पॉइंट से चले, मतलब पी से चले क्यू की तरफ, ये डायरेक्शन है, ठीक है, उसका ले लो मैग्नीट्यूड, सही है। तो क्यू पी का मतलब क्या हुआ, जो पहले लिखा हुआ है वहां से चलना है, मतलब क्यू से चलना है पी की तरफ। अब क्या इस चीज का डिफरेंस है, डायरेक्शन का, लेकिन हमें मतलब था मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई काम नहीं, ठीक है ना, तो इस वजह से ये बात कह सकते हो। लेकिन नॉर्मली एक बात बताओ, हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। दो पॉइंट मतलब डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले लो, कोई दो सिटी ले लो, एक जिसका नाम पी और क्यू, कोई भी रेंडमली ले लो दो सिटी, ठीक है ना। अब एक काम तो एक ही करोगे ना, कि मतलब एक पॉइंट पर खड़े, मतलब एक सिटी से जहां से भी मतलब कैलकुलेट करना हो डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट जाओगे ना, ये थोड़ी ना कि एक बार, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार पी से क्यू गई फिर क्यू से पी गई, ये थोड़ी इस तरीके से थोड़ी ना डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट हम वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन लिखते हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस फॉर्म में थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। और जो माइनस नेगेटिव साइन आएगा वो चीज कहां पर एडजस्ट होगी, यहां पर इन स्क्वेयर के में, स्क्वेयर में एडजस्ट होगी, क्यों, क्योंकि अब ये पता होना चाहिए कि स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये चीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। स्क्वेयर मतलब इसका रिजल्ट जीरो या फिर पॉजिटिव, इस चीज का मतलब ये लेंथ हो गई, डिस्टेंस होगी, कहीं पर मैग्नीट्यूड लिखा हो, इनका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, या फिर स्क्वेयर एक्चुअल में स्क्वेयर नहीं होता, एक्चुअल में होता है इवन पावर, मतलब इवन का मतलब जो दो से डिवाइड होते हो, ठीक है ना, जैसे ये रहा, सही बात है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो बस दो से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, ये इवन नंबर पता तो होंगे, बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इनका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसी तरीके से एक मोड फंक्शन होता है, उसका रिजल्ट भी कभी नेगेटिव नहीं आना, मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव रहेगा इन सभी बातों का रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मोड फंक्शन का एक्चुअल में नाम होता है इस तरीके से, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट मॉडुलस फंक्शन, इसके नाम में डेफिनेशन लिखी हुई, एब्सोल्यूट का मतलब एक मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू एक रिजल्ट है, मतलब नेगेटिव ना है, मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। इसके बाद जैसे एक पॉइंट पी लिखते हो, ठीक है ना, पी पॉइंट मतलब जनरल पॉइंट की बात होती है थ्री डी में बार बार। अब एक बात बताओ, पॉइंट तो अब पॉइंट एक्स वाई जेड, हमें कैसे पता चला कि एक्स वाई जेड ही है, सही है, ठीक है ना। इसका एक सिंपल एग्जांपल लिया था डेली लाइफ के हिसाब से, कोई लेंथ है, जैसे कह दी कि मान लो 5 मीटर है, कोई भी यूनिट ले सकते हो, ठीक है ना, जैसे मान ली मीटर ले ली। अब हमें कैसे पता चला कि ये 5 ही है, जीरो से काउंटिंग शुरू हुई इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब 0 1 2 3 4 और 5, तभी तो कहोगे ना ये 5, इसका दूसरा नाम 5 - 0 कह सकते हो, ये पता होना चाहिए। तो इस चीज का मतलब यहां पर जो ये पॉइंट पी लिख दिया ना, ये कहां से कैलकुलेट हुआ, कहां से, ओरिजिन से, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में ओरिजिन से कैलकुलेट हुआ अपनी अपनी एक्सिस पर, ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने सीखा था सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूले के बारे में सीखा था, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि किसी लाइन पर इस तरीके से कोई दो पॉइंट है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, उनके कोऑर्डिनेट चलो पी और क्यू ही मान ली इस तरीके से, ठीक है ना, एक्स वन वाई वन जेड वन मान लिए इनके कोऑर्डिनेट, एक दूसरा मान लिया पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से मान लिए, ठीक है ना। तो बस सेक्शन फॉर्मूले को एक डायरेक्ट एक बात कही थी याद रखने के लिए कि सेक्शन फॉर्मूले का यूज कहां पर होगा, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये चीजें बार बार रिपीट हो रही थी कि मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज होता है, सही बात है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, सही है। और दूसरी कंडीशन रेशो निकालने के लिए, सही बात है, लेकिन ये दूसरे के एक दूसरे के अपोजिट है। इस चीज का मतलब कि जब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट निकालने हो तब रेशो होने चाहिए, सही है, मतलब पहली चीज फाइंड आउट करनी हो ना सेक्शन फॉर्मूले से तो दूसरी चीज गिवन होनी चाहिए, सही बात है, ठीक है। और गिवन ना हो तो लेट कर लो के रेशो वन, लेकिन के रेशो वन हम तब लेके चलते हैं जब मतलब निकालना हो, सही बात है,
ठीक है ना। तो इस चीज का मतलब इनमें से अपोजिट है एक दूसरे के, इनवर्स ही है, इनवर्सली सही बात है। मतलब जो चीज निकालनी हो दूसरी चीज गिवन होनी चाहिए यहां से, ये मेन बात है। कभी रेशियो निकालना हो हम लेट करके चलते के रेशियो वन, सही बात है। तो वहां पर कोऑर्डिनेट होने चाहिए इस चीज का मतलब, नाउ तो मतलब वो भी निकालने हो तो, लेकिन वहां पर एक अलग चीज आ जाए, मतलब एक सेकंड कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाए उस टाइप के न्यूमेरिकल में, ये पता होना चाहिए। इस चीज का मतलब ऐसा न्यूमेरिकल जिसके अंदर रेशियो निकालना हो, ठीक है। तो वहां पर मान लो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट भी ना दिया हूं, लेकिन सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट निकालो, किसी अलग कंसेप्ट से निकालो, ठीक है, उसके बाद रेशो निकल सकते हैं, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए। इस चीज का मतलब ये दोनों चीज ना तो कभी साथ में गिवन होती और ना कभी मतलब निकलेंगी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब डायरेक्ट ये बात याद रख लो कि सेक्शन फॉर्मूले में ये दो चीजें, मतलब इन दो चीजों का मेन यूज होता है, ठीक है ना, कि सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ये दो चीजें निकाली जाती है। कब? जब इनमें से कोई एक कंडीशन गिवन हो दूसरी निकलेगी, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है ना। और कुछ सेक्शन फॉर्मूला के कुछ और मेन पॉइंट थे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।